चीका मंडी के अंदर आया हूँ। आपने देखा कि जिंदल साहब गेहूं की बोरी उठा रहे थे, आज ये बोरियां उठने के इंतजार में हर मंडी के अंदर लाखों लाखों बोरी गेहूं की पड़ी हुई है, ऊपर से बरसात और नीचे से अनाज नहीं उठ रहा। इन्होंने जानबूझ के अपने जो चाहते लोग हैं उनको ठेका दे रखा उठाने के लिए, वो जानबूझ के उठान नहीं कर रहे। किसान खेत से अनाज उठा के मंडी तक नहीं ला पा रहा पूरा, क्योंकि मंडी के अंदर जगह नहीं है। मंडी के बाहर सैकड़ों ट्रालियां खड़ी हुई हैं अनाज भर के, और जब मंडी में जगह नहीं मिल रही है, ना मजदूर मिल रहे ना बारदाना मिल रहा। आवाज तो है अनाज की, परंतु खरीदारी जीरो होती जा रही है। किसान क्या करे, किसान सिर्फ नुकसान उठा रहा है। और हर दफा भारतीय जनता पार्टी यही करती है। अभी चीका मंडी के अंदर आप देखो लाखों कट्टे पड़े हुए हैं, कोई उठान नहीं हो पा रहा है। छोटे किसान के पास साधन नहीं होता कि अपने साधन से बाजार के अंदर मंडी के अंदर गेहूं लाए, वो किराए पे लाता है। और जब पांच पांच सात सात दिन तक नंबर नहीं आता तो वो किराया उसको मारता है, उसको इंतजार करना पड़ता है, किराया उसके सिर पे पड़ता रहता है। पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 15 लाख टन क्विंटल गेहूं खुले में पड़ा हुआ है, सरकार इसकी कोई व्यवस्था नहीं कर रही। पहले तो मंडियों में उठान नहीं हो रहा, मंडियों में नहीं जा पा रहा, धान जैसी कई मंडियों में बारदाना नहीं दिया, मजदूर मजबूरी के अंदर किसान अडानी के सियालों की तरफ रास्ता कर रहा है, वहां पे कई कई किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। उस सियालों के अंदर जब किसान दो दो दिन तीन दिन लाइन में लगा खड़ा रहता है तो वहां भी फिर फसल बिगड़ी है। पीने के पानी तक की व्यवस्था उनके लिए की नहीं है, कोई धूप के अंदर कोई छाया का इंतजाम नहीं किया कि बैठ जाए। जब कई दिन बाद नंबर आता है तो अडानी के कर्मचारी दसियों किस्म की उसमें कमी निकाल देते हैं गेहूं के अंदर, कि भाई क्या करें। कभी क्वालिटी खराब कहते हैं, कभी दाना छोटा कहते हैं, कभी उसके अंदर झाड़ कहते हैं, कभी नमी कहते हैं। फिर किसान ओने पोने भाव पे बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। जब वो किसान ओने पोने भाव पे मना करता है तो कहता है गेहूं उठा के ले जाओ, वो लेके कहा जाए फिर दोबारा किराया लगेगा, वो फिर उसकी मजबूरी में। मजबूरी के अंदर छोटा किसान ओने पोने भाव में अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। पहले तो कुदरत की मार और फिर सरकार कोई मार मारने में कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार को चाहिए था कि उठान कराता। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने कट्टा तो उठाया, तीन बार गिरा भी, परंतु ट्रक की बात नहीं करी कि कट्टे उठ के यहां से जाए। पलेदारी का तो काम करा, परंतु ये नहीं हुआ कि चले जाए कहीं। पलेदार तो पहले भी बेचारे खाली बैठे हुए हैं, ट्रक का इंजाम नहीं है। एक सोची समझी चाल के तहत बीजेपी ने पहले मंडी बंद करने की कोशिश की थी, तीन काले कानून लाई थी। सोची समझी चाल के तहत उठान मंदा हो रहा है। सोची समझी चाल के तहत वो चाहते हैं कि मंडियां बंद हो जाएं और बिहार की तरह, बंगाल की तरह, उड़ीसा की तरह फिर ये उन्हें पुने भाव में गेहूं चावल सरसों बिके, इनको एमएसपी ना देनी पड़े। जिंदल साहब किसान के देसी बन रहे हैं, मंडियों में जाके बोरे उठा रहे हैं, मजदूरों को अपना भाई कहते हैं, खुद को किसान का बेटा कहते हैं। परंतु मैं ये पूछ रहा हूं, फिर ये किसान विरोधियों के साथ जाके क्यों खड़े हुए, जो किसान के लिए तीन काले कानून बनाए, किसान के सिर पे शुभकरण के गोली मारी, किसानों के लाठी मारी, किसान की स्थिति सुधारने के लिए काम क्यों नहीं कर रहे।